उनको जो है फांसी मिलनी चाहिए थी, लेकिन न्यायालय ने उम्र कैद किया है, हम उसका स्वागत करता है। वैसे कादिर तो आती मस्जिद के अपराधी हैं, उनको तो जो है सड़क पे दौड़ा के गोली मारनी चाहिए थी, तब जाके जो है जनता को सही न्याय मिलता है। मिस पाल की पत्नी का जो भी मांग है वो कानून के दायरे में है, बिल्कुल उन्होंने अपना पति खोया है, उनके घर में इस तरीके का अपराध हुआ है, किसी के घर में भी होगा, सब एकदम बहुत ही निश्चित तौर पर ये बात सच है कि वो इस तरीके की मांग करेंगे और उनकी मांग जायज है, बिल्कुल हमें न्यायपालिका पर ही विश्वास है। अभी कहीं गलती से कुछ किसी पर विश्वास बना हुआ है तो वो न्यायपालिका है, इसके अलावा आप लोग पर तो बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में मात्र एक ये स्तंभ है जो खंभा पीकर रात में सो जा रहा है। गहमत की बस की बात नहीं है, अति गहमत की माननीय योगी आदित्यनाथ की बस की बात नहीं है कि वो इसे मिट्टी मिला दें, इतना कर सकते हैं कि वो उसे ब्रांडेड कर दें, इतना कर सकते हैं कि वो उसको सुर्खियों में ला दें, इतना कर सकते हैं कि वो एक धर्म को बढ़ावा दे करके एक धर्म को थोड़ा कम कर दें जिससे समाज में अलगाववाद बना रहे। उनके हिसाब से विकास दुबे माफिया थे, वो मिट्टी मिला दिए। उनके हिसाब से अतीक अहमद आज एक ब्रांडेड अपराधी बन चुका है जिसको मीडिया दिखाती है, जो यहाँ पहुँचा है वहाँ पहुँचा है, यहाँ टॉयलेट किया वहाँ टॉयलेट किया, अभी करवट बदला, इस मीडिया ने इस सरकार ने उसको ब्रांडेड बना दिया, समाजवादी पार्टी ने उसको पाला तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको ब्रांडेड बना दिया। आज अतीक अहमद पूरी मीडिया में सुर्खियों में, कुख्यात आरोपी लगाने से पहले आप उसे समाजवादी पार्टी का पोषित माफिया कहिए। इसलिए यह प्रकरण जिसमें आज उनको सजा हुई है, यह 2006 का मैटर है जिसमें उमेश पाल की जिनकी हत्या हुई उनके अपहरण का मुद्दा था, उस वक्त वादी की FIR भी नहीं लिखी गई थी, वादी की FIR बहुजन समाजवादी पार्टी में FIR लिखी गई थी उनकी। आज माननीय न्यायपालिका ने MPMLA कोर्ट में जितने माननीय जज साहब ने उनको यह सजा सुनाई, इस फैसले हम पूर्णतः सहमत हैं। हम बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ऐसे माफियाओं को पालती है, ऐसे माफियाओं को इसलिए पालती है क्योंकि वो ये दिखाने का प्रयास करती है कि एक धर्म का माफिया है दूसरे धर्म को, आपको दिखाने के लिए कि उसमें इतने बड़े माफिया हैं, एक दूसरे धर्म को डरवाया जा सके, इसके लिए पाला जाती है। विकास दुबे थोड़ी है, विकास दुबे होते तो अब तक मार दिए गए होते, अतीक के आगे कहीं गलती से दुबे ब्राह्मण मिश्रा शुक्ला लगा होता तब तक मार दिए गए होते। बेटा मैं ऐसी के कमरे में बैठकर ये चाहे जितनी महिला वर्ग की संवाद आता हूँ या जो भी टीवी पर आती हैं उनसे एक पन्ना भारत के किसी भी सब्जेक्ट पर आप लेख लिखवा लीजिए, अगर वो क्लास 6 में पढ़ने वाले बच्चे से अच्छा लेख लिख देंगे तो वकालत छोड़ दूंगा। इस तरीके की है आज पत्रकारिता। तो लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। जिस तरीके से MPMLA कोर्ट के बाहर हम अधिवक्ताओं के बीच में खड़े हैं और आज अतीक अहमद पर बड़ा फैसला सुनाया गया है, अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, देखते हैं कुछ अधिवक्ता है हमारे साथ, हम इनकी क्या राय है उस अतीक अहमद की सजा पर। तो भैया क्या कहते हैं, उम्र कैद या फांसी? उनको जो है फांसी मिलनी चाहिए थी, लेकिन न्यायालय ने उम्र कैद किया है, हम उसका स्वागत करता है। वैसे कादिर तो अतीक अहमद जी तक के अपराधी हैं, उनको तो जो है सड़क पे दौड़ा के गोली मारनी चाहिए थी, तब जाके जो है जनता को सही न्याय मिलता है। क्या कहेंगे भैया? देखिए ये हमारे सीनियर ही हैं, इन्होंने कहा कि जो है उनको दौड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, इस तरीके की बात से असहमत हूँ, इसलिए क्योंकि कानून का विद्यार्थी हूँ, कानून के तहत जो उनको सजा मिल रही है वही मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। उनको सजा तो यहाँ से आजीवन कारावास हुआ है, 1,00,000 का जुर्माना लगा है, ठीक है ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन भारतीय सभ्य राजनीति की कुख्यात पत्रकारिता का दौर देखिए आप, कि गजब की पत्रकारिता है कि कोई यहाँ पर अपराधी ही आते हैं, कोई प्रवचन करने वाला तो आता नहीं, लेकिन उनके पीछे मीडिया नहीं आती है, वो मूत रहा है वो क्या कर रहा है ये सब दिखा करके पत्रकारिता पता नहीं कहाँ जाना चाहती है। हम इनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि इनको सद्बुद्धि दे। भारतीय राजनीति में इस तरीके की कुख्यात पत्रकारिता का दौर इससे पहले हम लोगों ने कभी नहीं देखा था, इसे भी सुधरना चाहिए, सबसे पहले तो पत्रकारों को सुधरना चाहिए, लेकिन इसमें पत्रकारों की गलती नहीं, इसमें गलती हमारी और आपकी इस जनता की भी है, ये देखना भी यही चाहती है। इसलिए मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि हाथ जोड़कर आप लोग से निवेदन करूँगा कि इसी दौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के माननीय राहुल गांधी जी की को जो है 2 साल के लिए उनको सजा सुना दी गई है कि वो अब सदस्य नहीं रह सकते हैं, तो बताइए जब विपक्ष ही नहीं होगा, उनकी सदस्यता छीन ली गई, उनकी सदस्यता छीन ली गई, वो सदस्य नहीं रहेंगे, उनकी सदस्यता छीन ली गई, एक ही बात है, तो बताइए किस तरीके की, जब एक लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए तो हम मजबूत विपक्ष के रूप में किसे देखेंगे? ये लोकतांत्रिक देश है, इस तरीके की हरकतें नहीं होना चाहिए। इन खबरों को अतीक अहमद जैसे माफियाओं को बताइए क्या ये वो टॉयलेट कर रहा है, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए हम लोग को, जिस वक्त लोकतंत्र कुचला जा रहा था। नहीं अतीक अहमद जिस तरीके से बात किया जाए, आपने अभी कहा कि काफ़ी यहाँ पे अपराधी आते हैं, तो अपराधी के नाम पे देखा जाए तो सबसे बड़ा अपराधी आया था यूपी का कुख्यात आरोपी, आरोप किसी की भी यहाँ पर जितने धाराएं उन पर एक ही लगी होंगी, वो चाहे जितना बड़ा अपराधी होगा अगर किसी ने 302 किया है तो उसको 302 का ही अपराधी कहेंगे, ठीक है। तो उमेश प्रकरण के मामले में यदि आप मामला ही पूछना चाहते हैं तो वैसे तो वो कुख्यात आरोपी लगाने से पहले आप उसे समाजवादी पार्टी का पोषित माफिया कहिए। इसलिए यह प्रकरण जिसमें आज उनको सजा हुई है, यह 2006 का मैटर है जिसमें उमेश पाल की जिनकी हत्या हुई उनके अपहरण का मुद्दा था, उस वक्त वादी की FIR भी नहीं लिखी गई थी, वादी की FIR बहुजन समाजवादी पार्टी में FIR लिखी गई थी उनकी। आज माननीय न्यायपालिका ने MPMLA कोर्ट में जितने माननीय जज साहब ने उनको यह सजा सुनाई, इस फैसले हम पूर्णतः सहमत हैं।
यह फैसला एकदम न्याय हित में है और न्याय में जो भी तौर तरीका हो, किसी के लिए भी हो, वो अपराधी के लिए हो, सामान्य मनुष्य के लिए हो, कोई भी तरीका हो, उससे हम सहमत हैं। लेकिन एक खेद इस बात का है कि जिस एमपी एमएलए कोर्ट में एमपी आते हैं, एमएलए आते हैं, वहां पर आज अपराधी आया था, इस बात का हमें खेद है। और इसकी देन है समाजवादी पार्टी, इसकी देन है मुलायम सिंह यादव जैसे, अभी वो है नहीं, उनके लिए बोलना कुछ उचित नहीं है। योगी जी ने जिस तरीके से आरोप लगाया था कि माफियाओं को पोषित करने का कार्य समाजवादी पार्टी करती है, ये किस हद तक सही था? ये योगी जी ही नहीं, अगर एक पार्टी एक समाजवादी पार्टी अपराधियों को पोषित करने का काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी, विकास दुबे को आपने तत्काल उनका घर गिरा दिया, उसको गोली मार दी, उसका एनकाउंटर कर दिया, क्या वो अतीक अहमद से बड़ा अपराधी था? क्या उसके साथ इस तरीके की हरकत नहीं होनी चाहिए थी? एक व्यक्ति के घर में पूरी दुनिया ने देखा, सब ने देखा, ये वीडियो बहुत वायरल हुआ, जिस तरीके से उसके बेटे ने मारा है, कौन मार दिया गया? उसमें जो मारे गए हैं वो अभी विशेष तौर पर मुख्य आरोपी भी नहीं, उनका बेटा फरार है, क्या कर रही है एसटीएफ? इस तरीके के सवाल उठाने का अधिकार किसी को नहीं है। जिस खबरों को आप दिखा रहे हैं उसके पीछे जो खबरें छुपाई जा रही हैं उसका जनता को मतलब ही नहीं पता चल रहा। आज जनता देख क्या रही है? अतीक अहमद के टॉयलेट। इससे ज़्यादा पत्रकारिता का असभ्य और पत्रकारिता कुख्यात काल कोई हो नहीं सकता। ये पत्रकारिता का मूत्रकाल ही है जिसकी सजा पूरा भारतवर्ष भुगत रहा है। अतीक अहमद के पेशाब की बात किया जाए तो अतीक अहमद साबरमती जेल से, आप एक पत्रकार हैं, आप शब्द देखिए अपना, कि अतीक अहमद के पेशाब की बात की जाए तो एनडीटीवी जैसे सम्मानित चैनल चलाता है कि अभी माफिया को नहीं आई रात यूपी आने में, अभी ये सब जब आपने भी मास कम्युनिकेशन किया होगा, आप पढ़ने गए होंगे, ये सब चीज़ें आपको लगा होगा कभी हमने अपनी ज़िंदगी में इस तरीके की चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। आज माइक लेकर, एक ठो कैमरा मैन लेकर बहुत सारे पत्रकार बन गए हैं, जिनकी अगर आप एक भी बार एक पन्ना लिखवा लें, जितने मैं गारंटीड के साथ कह रहा हूँ, नोएडा में एसी के कमरे में बैठकर ये चाहे जितनी महिला वर्ग की संवाददाता हों या जो भी टीवी पर आती हैं, उनसे एक पन्ना भारत के किसी भी सब्जेक्ट पर आप लेख लिखवा लीजिए, अगर वो क्लास सिक्स में पढ़ने वाले बच्चे से अच्छा लेख लिख देंगे तो वकालत छोड़ दूंगा। इस तरीके की है आज पत्रकारिता, समझ रहे हैं आप? उस चीज़ को हम आप भुगत रहे हैं। यहाँ देख कर देखिए, इसी लाइन से हम रोज होकर के गुजरते हैं। मैं हाईकोर्ट से आया तो मैं ये देखने आया कि आज कितने चैनल वाले आए हैं, मेरा इधर इसके पीछे ऑफिस है हमारे सीनियर का, तो मैं यहाँ देखने आया तो देख रहा हूँ हर न्यूज़ चैनल आया हुआ है। यहाँ पर रोज अपराधी आते हैं, उनके पीछे आप आएंगे, कितना कितनी गिरी हुई पत्रकारिता है। शर्म आना चाहिए हर एक पत्रकार को, शर्म आना चाहिए। अगर शर्म आए, क्या यूपी आने से अतीक अहमद डर रहे थे? क्या यूपी आने से अतीक अहमद डर रहे थे? हम क्या जाने। अच्छा, अतीक अहमद डर रहे हो, हम कहे जाने, बताइए अतीक अहमद डर रहा हो या ना डर रहा हो, यहाँ हर अपराधी आने से पहले डरेगा। कुछ लोगों का कहना था कि इनकाउंटर हो जाएगा, कुछ लोगों का कहना था गाड़ी पलट जाएगी, नहीं पलटेगी। हम बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ऐसे माफियाओं को पालती है, ऐसे माफियाओं को इसलिए पालती है क्योंकि वो ये दिखाने का प्रयास करती है कि एक धर्म का माफिया है दूसरे धर्म को, आपको दिखाने के लिए कि उसमें इतने बड़े माफियाँ हैं, एक दूसरे धर्म को डरवाया जा सके, इसके लिए पाला जाती है। विकास दुबे थोड़ी है, विकास दुबे होते तब तक मार दिए गए होते, अतीक के आगे कहीं गलती से दुबे ब्राह्मण मिश्रा शुक्ला लगा होता तब तक मार दिए गए होते, और क्या मतलब ब्राह्मणों का हित नहीं कर रही है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही। इस बात को तो मैं ऐसे ही कह सकते, मैं ऐसे जातिवादी वाली बात करता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप विकास दुबे और इस मैटर को मिलाएंगे तो विकास दुबे का अपराध भी सेम ऐसा ही था, अतीक अहमद के बेटे का किया गया अपराध भी सेम ऐसा था। उसमें जिनका एनकाउंटर किया गया है, अगर वो आपको मुख्य आरोपी लगते हैं तो आपकी मूर्खता को नमन है, अगर वो आपको मुख्य आरोपी नहीं लगते हैं, उसमें जो भी एसटीएफ जिसको नहीं पकड़ पाई है आपको समझ में आता है, मैं आपके स्वविवेक पर ये छोड़ देता हूं, इसे अध्ययन कर लीजिएगा घर पे कि क्या होना चाहिए, ये प्रश्न पूछना चाहिए या नहीं पूछना। बात किया जाए जैसे अतीक अहमद को अभी उम्र कैद की सजा हुई है, तो आप इससे सहमत हैं? मैं न्यायपालिका के तो हम लोग हर फैसले से सहमत हैं, अगर नहीं सहमत होंगे तो उसके खिलाफ भी जो ऊपरी अदालत में हमारी कार्रवाई बनती है वो करेगा, वो वकील करेगा, वो अपने न्याय कानून के सहारे, न्याय के सहारे, किताब के सहारे, जो भी बन पड़ सकता है वो करेगा, उसमें क्या हम माने न्यायपालिका के फैसले पर कैसे। योगी जी ने कहा भी था सदन में कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, मिला दिए उनके हिसाब से विकास दुबे माफिया थे, वो मिट्टी मिला दिए। उनके हिसाब से अतीक अहमद आज एक ब्रांडेड अपराधी बन चुका है, जिसको मीडिया दिखाती है, जो यहाँ पहुँचा है वहाँ पहुँचा है, यहाँ टॉयलेट किया वहाँ टॉयलेट किया, अभी करवट बदला, इस मीडिया ने, इस सरकार ने उसको ब्रांडेड बना दिया, समाजवादी पार्टी ने उसको पाला तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको ब्रांडेड बना दिया। आज अतीक अहमद पूरी मीडिया में है, सुर्खियों में, बताइए जिस वक्त राहुल गांधी के 2 साल के लिए उनकी सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है उनको, उस वक्त भारतीय लोकतंत्र को जिस वक्त एकदम धज्जियां उड़ाई जा रही है, उनका कपड़ा फाड़ा जा रहा है, उस वक्त आप अतीक अहमद जैसे माफियाओं को दिखा करके क्या कहना चाहते हैं? यह पत्रकारिता के मूत्रकाल का दौर है, इससे ज़्यादा कोई और कहा नहीं जा सकता इसमें, क्योंकि अभी तक इससे पहले एक खबर आई थी कि अमिताभ बच्चन साहब की तबीयत खराब थी, तो उसमें ये दिखा पाए थे कि हम साहब ये करवट बदल लिए हैं, वो करवट बदल लिए हैं, वो ये नहीं दिखा पाए थे कि साहब ने टॉयलेट किया। आज उस पत्रकारिता ने ये दिखा दिया कि देखिए साहब इन्होंने टॉयलेट किया, अभी इधर पकड़े हैं, अभी उधर लेटे हैं, ये है पत्रकार तक दौर, पत्रकारों को शर्म आनी चाहिए। टॉयलेट की बात किया जाए तो अतीक के अंदर सहमा हुआ डर, शब्द देख रहे हैं आप, सहमा हुआ डर, यूपी आने से घबरा रहे थे अतीक। शर्माया करिए आप लोग, देखिए एक बार दिखा दीजिए इधर, न्यूज इंडिया,
एक बार इधर दिखा दीजिए, ये इंडिया टीवी इन क्या बताऊँ इल्लू, ये एकदम समझ लीजिए इनकी मूर्खता पर दुख हो रहा है मुझे। देख लीजिए आप इनको, देखिए उनका मुंह देखिए। अधिवक्ताओं द्वारा अभी अतीक अहमद को अंदर कोर्ट में पेशी के दौरान ले जाते समय धक्का मुक्की हुई, गाली गलौज, अधिवक्ताओं ने काफी गालियां भी दी, इसको क्या देखते हैं? उनका क्या करें, जिसको जिस तरीके का रोष था, जिसके घर से मारा गया था, चंद अधिवक्ता अगर इस तरीके की हरकत कर रहे हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? मैं नहीं समझ सकता इसमें। अच्छा, उमेश पाल की पत्नी की बात किया जाए तो लगातार फांसी की मांग कर रही हैं और इनकाउंटर की मांग कर रही हैं, आप क्या देखते हैं? उमेश पाल की पत्नी का जो भी मांग है वो कानून के दायरे में है, बिल्कुल। उन्होंने अपना पति खोया है, उनके घर में इस तरीके का अपराध हुआ है, किसी के घर में भी होगा, एकदम बहुत ही निश्चित तौर पर ये बात सच है कि वो इस तरीके की मांग करेंगे और उनकी मांग जायज है, बिल्कुल। हमें न्यायपालिका पर ही विश्वास है, अभी कहीं गलती से कुछ किसी पर विश्वास बना हुआ है तो वह न्यायपालिका है, इसके अलावा आप लोग पर तो बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में मात्र एक ये स्तंभ है जो खंभा पीकर रात में सो जा रहा है। अच्छा, बात किया जाए 45 साल के अंतर्गत बात किया जाए, अतीक अहमद को पहली बार सजा सुनाई गई है। देखिए, अतीक अहमद को पहली बार सजा सुनाई गई है क्योंकि इससे पहले जो पार्टियां थी, समाजवादी पार्टी थी, उसको पोषित करने का काम की थी, वादी की FIR नहीं लिखी गई थी अपहरण जैसे मुद्दे में। अब आप बताइए किसकी सरकार थी, मैं नाम ही नहीं ले रहा हूँ आपके, वो सरकार किसकी थी इतना पूछिए ना आप। अतीक अहमद का नाम लेने से पहले एक चीज लगाया करिए, समाजवादी पार्टी का पोषित माफिया, ठीक है? इस लाइन से ये हो जाएगा क्योंकि उस वक्त जिस वक्त उमेश पाल का अपहरण हुआ था उस प्रकरण में वादी की FIR नहीं लिखी गई थी, सरकार के कार्यकाल के बदलने के बाद FIR लिखी गई थी, बसपा की सरकार थी। इस पर अध्ययन करिएगा, इस पर होमवर्क करिए तब पूछिए आप। बात किया जाए, जिस तरीके से योगी जी ने सदन में कहा था माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो क्या अतीक अहमद को मिट्टी में मिला रहे हैं? अतीक अहमद की बस की बात नहीं है, अतीक अहमद की माननीय योगी आदित्यनाथ की बस की बात नहीं है कि वो इसे मिट्टी मिला दें। इतना कर सकते हैं कि वो उसे ब्रांडेड कर दें, इतना कर सकते हैं कि उसको सुर्खियों में ला दें, इतना कर सकते हैं कि वो एक धर्म को बढ़ावा देकर के एक धर्म को थोड़ा कम कर दें जिससे समाज में अलगाववाद बना रहे। अच्छा, उमेश पाल हत्याकांड आपको छोटा मामला लगता है? आपको क्या लगता है, हत्या का मामला ही बड़ा होता है? हत्या कोई भी हो वो सबसे घटिया चीज़ है किसी भी मैटर में, वो एक अपराधी है। इस तरीके के प्रश्न मत पूछिए, पत्रकारों की मूर्खता पर फिर नमन है, और आप फिर हंसिए मत, फिर शरमाइए। धन्यवाद।